Hello friends, welcome back in 6th standard. My dear friend, today in this video I am going to give you an introduction of 6th standard geography. Now look, here in this particular book, 6th standard geography. Actually this subject is new for you. Okay, we haven't learned last year geography, but this year you have geography. So these are the content, these are the chapters of 6th standard geography. So our first chapter is the earth and the gravity. Okay, the earth and gravity. In this particular chapter we'll learn about the earth and the gravity. What is mean by gratitude or what is gratitude? Gratitude क्या होता है? तो gratitude means रेखा जल. Okay, रेखा जल क्या होता है? Gratitude क्या होता है? ये सारे हम देखेंगे. जो horizontal and vertical जो lines होती है, horizontal and vertical lines on the globe is known as gratitude. Gratitude किसे कहा जाता है? वो रेखा जल होता है, जो vertical होती है और horizontal line जो होती है. Suppose this is the earth. ओके, ये अर्थ है, तो अर्थ ऐसी है, तो ये जो होता है ये सबको मिला के क्या कहते हैं उसको? ग्रैटिट्यूड है. ओके, यू कैन सी हियर, सो दीज आर द लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आर नोन एज वर्टिकल, सॉरी ग्रैटिट्यूड. ये ग्रैटिट्यूड और अर्थ, इसका रिलेशन क्या है, इसका संबंध क्या है? Why gratitude is more important? Gratitude क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानकारी इस पर्टिकुलर चैप्टर में लेंगे. ओके, द अर्थ एंड द ग्रैटिट्यूड. नेक्स्ट चैप्टर में हम लेट अस यूज द ग्रैटिट्यूड. ये जो ग्रैटिट्यूड है इसे यूज कैसे किया जाता है और इससे हमें क्या फायदा होता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं और इससे हमें क्या पता चलता है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से हम जारी हैं. जो कि ग्रैटिट्यूड होता है, जो मेरिडियंस होते हैं, ये जो बीच की लाइन होती है इसको इक्वेटर कहा जाता है. इसको इक्वेटर कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? मेरिडियंस कहा जाता है. तो इसका प्रयोग करने के बाद हमें क्या पता चलेगा, ये हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. थर्ड चैप्टर है कंपेयरिंग ग्लोब एंड मैप. मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंस होता है, इसमें क्या फर्क है, मैप किस वजह से स्टडी करना चाहिए और ग्लोब किस वजह से स्टडी करना चाहिए, इन दोनों का कंपैरिजन करके हमें इसमें स्टडी करनी है. उसके नेक्स्ट चैप्टर है वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर और क्लाइमेट क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, तो ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे. वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर कैसे चेंज होता है, क्लाइमेट क्या होता है. ओके, तो ये सारी बातें हम देखेंगे इस चैप्टर में. नेक्स्ट चैप्टर है टेम्परेचर. टेम्परेचर में हम जो टेम्परेचर से रिलेटेड जो जानकारी है वो हासिल करेंगे. कौन सा जो एरिया होता है वो जो हाई टेम्परेचर होता है, जिसमें ज्यादा टेम्परेचर होता है, जिसमें कम टेम्परेचर होता है, या मिडिल टेम्परेचर होता है, उसमें क्यों होता है, उसका रीजन भी हम फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे. सिक्स्थ चैप्टर जो है इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस. इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस मतलब जो ओशंस एंड सी में आपको फर्क पता है, सागर और महासागर, तो ये सागर और महासागर में डिफरेंस क्या है, इसमें से हमें क्या फायदा होता है, इम्पोर्ट क्यों जरूरी होता है, जो इकोलॉजी है ये एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के लिए ओशंस क्यों जरूरी होते हैं, इसका भी हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे. ये जो सेवन चैप्टर है रॉक्स एंड रॉक टाइप्स, ये जो चैप्टर है रॉक्स एंड रॉक टाइप्स, शायद आपको आप इस चैप्टर से फैमिलियर होंगे क्योंकि आपने पहले इसको फिफ्थ स्टैंडर्ड में साइंस में पढ़ा है. टाइप्स ऑफ रॉक्स, रॉक्स के प्रकार कौन से हैं, जो इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है. अभी ये इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे फॉर्म होते हैं, इसका यूज किसके लिए किया जाता है, तो ये सारी बातों को डिस्कस हम इस चैप्टर में करेंगे. उसके बाद का एक नंबर का चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि जो साधन संपत्ति होती है वो क्यों जरूरी होती है, कौन सी होती है, तो वो सारी बातों को डिस्कस हम ये चैप्टर में करेंगे. उसके बाद है एनर्जी रिसोर्सेज. एनर्जी हमें कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, इसके अलावा एनर्जी की कौन से
कौन से रिसोर्सेज से, तो ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद का आखिरी जो चैप्टर है ह्यूमन ऑक्यूपेशन, समाज में या भारत में अलग अलग, मतलब हमारा जो इंडिया है, इंडिया में चार प्रकार के समझो अलग अलग प्रकार के क्या है ऑक्यूपेशन होते हैं, जैसे कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, टर्शियरी ऑक्यूपेशन है, क्वाड्रिलेटरल ऑक्यूपेशन है। ये जो सारे ऑक्यूपेशन होते हैं ये क्यों जरूरी होती है, किस देश में कौन सा ऑक्यूपेशन ज्यादा है, सेकेंडरी है या प्राइमरी है या टर्शियरी है या क्वाड्रिलेटरल है, ये सारे ऑक्यूपेशन के बारे में हम जानकारी इस पर्टिकुलर चैप्टर में लेंगे। ओके, सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ सिक्स स्टैंडर्ड ज्योग्राफी। ये सारे जो चैप्टर्स हैं हम सिक्स स्टैंडर्ड में मतलब इस साल को पढ़ने वाले हैं। अभी आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी ड्यूटी ये है कि आपको ज्योग्राफी का बुक लेना है, उसमें का पहला जो चैप्टर है, पहला जो कंटेंट है दी अर्थ एंड ग्रेटिट्यूड, ये आपको ओपन करना है, आपके पेरेंट्स के सामने लाउडली उसको रीड करना है। रीड करने के बाद आपको जो समझा या जो नहीं समझे, बहुत सारे ऐसे न्यू वर्ड्स ओके, उसमें न्यू वर्ड्स को आपको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है उसको, और उसकी लिस्ट बनानी है, और जो आपके डिक्शनरी के मदद से उसके मीनिंग को फाइंड आउट करना है। ओके, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद फर्स्ट चैप्टर। ओके, कौन सा चैप्टर है हमारा, द अर्थ एंड ग्रेटिट्यूड। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है आप घर पर रीड करो, रीड करने के बाद जो न्यू वर्ड्स है न्यू वर्ड्स को फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करने के बाद आपको उसका मीनिंग पता चलेगा, और जब भी ये हमारा वीडियो देखेंगे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ओके, थैंक यू, सो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू, टेक केयर।